सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है, पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट मैजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुम्मे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे, ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से गाड़ी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो, और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के, जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है, पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा? हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है, तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। जिले में 144 ये तो पूरा अब इस समय आचार संहिता लगी हुई है, लगा हुआ है और कहीं पे भी मजमा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस घर में इस तरह का मातम है तो यहाँ लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं।